इस सेशन में लोग कवर करेंगे टोन की एंथैल्पी का जो वेरिएशन है अलोंग द ग्रुप कैसा होता है, ठीक है। तो लास्ट सेशन में लोग कवर कर चुके हैं कि पीरियड में कैसे वेरी करता है, पीरियड में जो वेरिएशन है उसे अगर हम लोग फिर देख लेते हैं, ध्यान देना। तो जब भी बात करते हैं अलोंग द वेरिएशन अलोंग द पीरियड का, तो उसमें बोला गया है इसमें हम लोग सिर्फ पी ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक बोला है कि जनरली क्या होता है कि 17, 16 यानी ग्रुप नंबर 17 पहले आएगा, 16 ठीक है, 15 के पहले 14 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 13 लास्ट में आएगा। लेकिन कब तक होता है? ये होता है एक्सेप्ट, यानी ये सारे पीरियड में होगा, बस पीरियड नंबर 2 में अप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें रीजन समझोगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली होना चाहिए था 15 को आगे होना चाहिए था 14 से, 15 क्या होता है, 15 पीछे इसलिए हो रहा है, ध्यान हो गया। अब चेक करना एक बार, डाटा को चेक करो, अब वो क्लियर हो जाएगा। डेटा चेक करते हो तो यहाँ देखो ए, 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 14 और 15 फैमिली को हम कंपेयर करना है, 14 हो और 15 हो। देखो कार्बन का वैल्यू नाइट्रोजन से ज़्यादा है, सिलिकॉन का वैल्यू फॉस्फोरस से ज़्यादा है, जर्मेनियम का वैल्यू आर्सेनिक से ज़्यादा है, एसिन का वैल्यू एसबी से ज़्यादा है, ठीक है, लेड का वैल्यू आपके 20 में से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 15 फैल हो तो हाफ फिल होता है, क्या होता है, हाफ फिल होता है, P3 होता है। तो हाफ फिल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी जितना होना चाहिए उससे कुछ कम होगा, क्योंकि हाफ फिल स्टेबल होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में रिलेक्टेंट होगा, इसी कारण एनर्जी जो रिलीज होता है वो जितना होना चाहिए उससे कम एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है, इसलिए वैल्यूज पीछे आता है। और नाइट्रोजन में इतना पीछे जाता है कि इसका वैल्यू बोरोन से पीछे हो जाएगा, तो बोरोन से ही पीछे चला जाएगा, बाकी जगह ऐसा नहीं होता, बाकी जगह ऐसा नहीं होता। बाकी जगह देखो गैल्वेनियम का वैल्यू फॉस्फोरस से कम है, ठीक है, गैलियम का वैल्यू आर्सेनिक से कम है, लेकिन जो नाइट्रोजन का जो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाता है, बोरोन का वैल्यू अभी नेगेटिव में, यानी एनर्जी इवॉल्व कर रहा है, नाइट्रोजन को एनर्जी देना पड़ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन का वैल्यू क्या होगा, बोरोन से पीछे चला जाएगा। इवन बोरोन छोड़ दो, आपका लिथियम से भी पीछे चला जाएगा, बेरिलियम से पीछे चला जाएगा, सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम का जीरो है तो नाइट्रोजन का वैल्यू कहीं नहीं किधर रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे, उसका लिस्टिंग अब आगे मैं कर दूंगा। तो अभी हम लोग सही लोग पी ब्लॉक पे फोकस कर रहे हैं, पी ब्लॉक पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक का आपको एरिया समझा दिए, पी ब्लॉक में हम लोग हैलोजन को मतलब ये नोबल गैस को इंक्लूड नहीं किए हैं कि नोबल गैस का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर यहाँ पर समझ में आया कैसे क्यों होता है। अब ध्यान देना हम लोग का फोकस डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप में वेरिएशन कैसा होता है, ध्यान देना। जो भी डाउन द ग्रुप का जो वैल्यूज होगा ना, वो डेटा को देख के लिया गया, तो डेटा जो यहाँ पर दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, तो डेटा ही के थ्रू ही सारा काम किया हुआ है, तो ध्यान देना। जब भी बात करते हम लोग डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप में अगर हम ग्रुप वन का बात करते हैं, ग्रुप वन का, तो ग्रुप वन में सबसे हाईएस्ट होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नीचे घट रहा है, नीचे घट रहा है। ग्रुप 13 का बात करते हैं, 13 में थोड़ा सा आपको दिखेगा नीचे घट रहा है, बट जो बोरोन का वैल्यू सबसे ऊपर होना चाहिए था, बोरोन सबसे नीचे चला गया, बोरोन सबसे नीचे चला गया, ठीक है। जिनकी बात करते हैं हम लोग किसका, ग्रुप 14 का, तो कार्बन का वैल्यू हाइस्ट होना चाहिए था, बट कार्बन का वैल्यू वहाँ से जम करके यहाँ चलाया है, तो कार्बन यहाँ चलाया है, ठीक है, यानी कार्बन को हाइस्ट होना चाहिए था, हाइस्ट का सिलिकन है। जब बात करते हैं ग्रुप 14 का, तो नाइट्रोजन को होना चाहिए था टॉप पे, नीचे घटना चाहिए था, नाइट्रोजन टॉप पर होना चाहिए था, बट नाइट्रोजन का वैल्यू यहाँ से घट के कहाँ चला गया, सबसे नीचे आ गया, बॉटम पे आ गया। जिनकी बात करता हूँ ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 का, उसमें टॉप पे होना चाहिए था ऑक्सीजन को, नीचे घटना चाहिए था, पर नीचे घट रहा है, नीचे घट रहा है, बट ऑक्सीजन सबसे नीचे चला है, ऑक्सीजन सबसे नीचे चला गया है, ठीक है। सिंगल बात करते हैं ग्रुप 17 का, तो उसमें क्लोरीन सबसे हाइस्ट होना चाहिए था, नीचे घटना चाहिए था, तो नीचे घट रहा है, बट क्लोरीन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी क्लोरीन के बाद शिफ्ट हो गया है, ठीक। नाइट्रोजन फैमिली में चेक करना, नाइट्रोजन फैमिली में जो बिस्मत नीचे होना चाहिए था, बिस्मत कहाँ चला है, ऊपर चला है, यहाँ पे तो वैल्यू जो और ज़्यादा इरेगुलर है, फॉस्फोरस बहुत नीचे आ गया है, ठीक है, तो यहाँ ग्रुप 15 का वैल्यू और ज़्यादा इरेगुलर है, तो ये आपको ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। बात करते हैं नोबल गैसेस में, तो नोबल गैसेस में देखोगे सारा वैल्यू पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव भी सबसे छोटा होगा इनियन का, आर्गन क्रिप्टन का वैल्यू क्या होता है, सिमिलर होता है, फिर जेनन होता है, फिर रेडन होता है। सबसे बड़ा वैल्यू हो गया पॉजिटिव में क्या, इनियन का, यहाँ पॉजिटिव में सबसे बड़ा वैल्यू को बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे एनर्जी अब्जॉर्ब ही करेगा, फिर वैल्यूज पॉजिटिव में घट रहा है, यानी एनर्जी जो आप दे रहे हो वो कम होता जा रहा है, और सबसे कम एनर्जी लगता है किसको, हीलियम को, ठीक है, यानी सबसे इजीली एक्सेप्ट कौन इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ग्रुप नोबल गैसेस में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हीलियम,
तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा हीलियम में आपको, बाकी जगह एनर्जी इवॉल्व कर रहा है, बाकी जगह एनर्जी डाउन द ग्रुप में इवॉल्व कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप में एनर्जी इवॉल्व मतलब घट रहा है, सबसे ज्यादा इवॉल्व कहाँ करेगा, तो सबसे ज्यादा इवॉल्व करेगा क्लोरीन में, फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयरन, यानी बाकी जगह सेंस इवॉल्व करने का है और नीचे इवॉल्व कर रहा है घट रहा है, और ग्रुप 18 में सेंस क्या है एनर्जी अब्सॉर्ब करने का और नीचे अब्सॉर्ब करने का टेंडेंसी क्या हो रहा है घट रहा है, ये आपको समझना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। तो ये आपको ऑर्डर, ये सारा ऑर्डर मैरेंज है, कहाँ से ऑर्डर मैरेंज है, तो ये आपका टेबल से दिया गया वैल्यू, ठीक है। तो अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी बेस्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ऑफ सेकंड पीरियड, उसको अरेंज करके दिखाओ, तो अरेंज कर दिया गया है। सेकंड पीरियड में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी किसका होगा, क्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर लिथियम, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम और फिर नियन, यह होता है। इस वैल्यूज आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इस वैल्यूज में आप याद रखना कि यहाँ तक एनर्जी इवॉल्व कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। नेगेटिव में ऐसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे होगा और पॉजिटिव में छोटा वैल्यू होगा नाइट्रोजन का, फिर बेरिलियम का होगा, फिर नियन का होगा, तो आपको याद रखना है, ठीक। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ऑफ हैलोजन्स का, तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी कंपेयर करोगे तो सबसे हाईएस्ट हो जाता है क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एटी आता है। ऑक्सीजन फैमिली का बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट होता है सल्फर का, फिर सेलेनियम, फिर टी, फिर पी, और सबसे कम होता है ऑक्सीजन का, तो आपको जानना है, ये आपको जानना है, अब ध्यान देना। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेसिकली इसमें तीन क्वेश्चन एक साथ समझाया हुआ है, इसमें तीन क्वेश्चन एक साथ कंपेयर किया हुआ है। तो बोला गया है तो वाइल्टन गेन थेरेपी ऑफ क्या क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, या फिर वाइल्टन गेन थेरेपी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, वाइल्टन गेन थेरेपी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये तीन क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है। तो इसके अंदर तीन क्वेश्चन ऑलरेडी है, ठीक है। या तो क्वेश्चन रहेगा क्लोरीन का वैल्यू फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है, या तो क्वेश्चन रहेगा सल्फर का वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होता है, या तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे नाइट्रोजन का वैल्यू फॉस्फोरस से कम क्यों होता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, इस पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, और बाकी जगह एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, मतलब आपको सेम तरीके से एक्सप्लेन करना है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मेरा आंसर को ध्यान देना। तो पहले आपको समझाने की कोशिश किया गया, तो आपको डायग्राम बना के हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके राइट में क्लोरीन का फिगर है, क्लोरीन एक बड़ा आइटम होता है, क्लोरीन एक बड़ा आइटम होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन का सिस्टम है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या है, 17 प्रोटॉन है, फिर तीन सेल होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका क्लोरीन 287, ठीक है। क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन दो सेल होता है 287, 9 प्रोटॉन होगा सिस्टम के अंदर, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा अगले सेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का बात करते हैं तो हम इसका मतलब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको कितना एनर्जी रिलीज होगा, आपके लिए कितना एनर्जी का रिलीज होगा, तो ध्यान देना। इसको जब आप देख रहे हो ना, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो हम जब बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, तो ध्यान देना जब आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो क्लोरीन में क्या डिस्टेंस ज्यादा दूर है, रेडियस बढ़ा तो डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा दूर होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कम होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात कर रहे हैं दोनों में, क्लोरीन में फ्लोरीन में, तो किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा फ्लोरीन में, क्योंकि साइज छोटा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा फ्लोरीन में। हमको पता है कि जब भी अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा। तो अब अगर इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण आप जब एनर्जी का इंक्रीज का वैल्यू आप सोचोगे, तो ज्यादा रिलीज किसमें होगा, तो ज्यादा रिलीज होगा आपका किसमें, चलो फ्लोरीन में होगा। अगर अट्रैक्शन का पैरामीटर हम फोकस करते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा फील कहाँ हो रहा है, फ्लोरीन में। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा फ्लोरीन में, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो अट्रैक्शन अगर हम सिर्फ अट्रैक्शन को बस माने, बाकी सारे फोर्स को हम डिस्कार्ड कर दें, बाकी सारे फोर्स के बारे में सोचे नहीं, ओनली हम सोचे अट्रैक्शन के बारे में,
तो अट्रैक्शन के कारण एनर्जी ज्यादा कहाँ रिलीज होगा, तो ज्यादा रिलीज होगा किसमें, चलो फ्लोरीन में, किसमें होगा फ्लोरीन में, ठीक है। तो हम एक वैल्यू को मान लेते हैं आसान करने के लिए, हम बोल रहे हैं कि फ्लोरीन में रिलीज होगा 10 एनर्जी, माइनस 10 मतलब 10 एनर्जी का रिलीज होगा, और क्लोरीन में रिलीज हो रहा माइनस 8, मतलब 8 एनर्जी रिलीज होगा, ठीक। तो ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स के कारण। अगर हम बात करें रिपल्शन फोर्स का, तो ध्यान देना यहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स का भी पैरामीटर है। रिपल्शन फोर्स का पैरामीटर क्या होगा, चलो तो जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाकर सेल के अंदर जाएगा, तो इसके अंदर और भी 7 इलेक्ट्रॉन है जो उसको रिपेल करेगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसमें भी क्या, उसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा 7 है, वो भी क्या होगा, उसको रिपेल करेगा, वो भी क्या होगा, रिपेल करेगा। ध्यान देना आपका जो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो छोटा होगा तो छोटे एरिया में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो छोटे एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और क्लोरीन का एरिया बड़ा है आउटरमोस्ट सेल का, तो उसमें क्या है, बड़े एरिया में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, बट एरिया बड़ा किसका है, एरिया बड़ा क्लोरीन का है, उसमें रिपल्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम बात करते हैं अगर रिपल्शन फोर्स के पैरामीटर पे, तो रिपल्शन फोर्स भी ज्यादा किसमें होगा, तो ज्यादा फील करेगा रिपल्शन फोर्स किस पे, फ्लोरीन पे फील करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी ज्यादा फील करेगा फ्लोरीन में, और रिपल्शन भी ज्यादा फील कहाँ करेगा, फ्लोरीन में फील करेगा, ठीक है। दोनों फ्लोरीन में ज्यादा फील करने वाला है, ठीक। और हमको पता है कि रिपल्शन फोर्स का मतलब होता है एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो अगर हम रिपल्शन फोर्स को लेकर चले, तो मान लेते हैं हमको कुछ एनर्जी हमको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा उसको बैलेंस करने के लिए, तो हम बोल रहे हैं कि फ्लोरीन में हमको एनर्जी प्लस 4 देना पड़ेगा, एक वैल्यू बस बता रहे हैं आपको, और क्लोरीन में हमको देना पड़ेगा प्लस 1, ठीक है। तो अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज हुआ और रिपल्शन एनर्जी हमको देना पड़ा, तो नेट कंबाइंड कितना हुआ, तो नेट कॉम्बिनेशन होगा फ्लोरीन में माइनस 6, और क्लोरीन का बात करोगे तो क्लोरीन में नेट क्या होगा, नेट होगा माइनस 7। तो अब जो ओवरऑल एनर्जी का रिलीज होगा, तो ओवरऑल एनर्जी का रिलीज क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों को बैलेंस करके सोचना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल रिलीज देखोगे तो ओवरऑल रिलीज क्लोरीन में ज्यादा है देन फ्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो गया माइनस 7, और फ्लोरीन का हो गया माइनस 6। ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझो कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अल्टीमेटली क्लोरीन का वैल्यू फ्लोरीन से बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रिपल्शन फोर्स कम है और क्लोरीन में रिपल्शन फोर्स ज्यादा है। क्यों रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, छोटे साइज में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा हाई होगा, ज्यादा हाई होगा, ठीक है। ये रहेगा ऐसा कॉन्सेप्ट। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, लैंग्वेज में लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। जब लैंग्वेज में लिखो तो आपका स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, स्कूल में लिखोगे तो ऐसा होगा, आप क्या बोलोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब अगर फ्लोरीन क्लोरीन का रहेगा तो आप फ्लोरीन क्लोरीन लिखना, अगर ऑक्सीजन सल्फर का हो तो ऑक्सीजन सल्फर लिखना, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस का हो तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिखना, बस एलिमेंट को बस चेंज कर देना है, स्टेटमेंट सब में सेम रहेगा, स्टेटमेंट सारे में सेम रखना है। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर्स मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है। तो लार्ज साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगा, घटेगा। इसका आउटकम क्या होगा, हेंस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये बोल सकते हैं। अगर तेरा क्वेश्चन होगा ऑक्सीजन सल्फर का, तो अभी देना सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और अगर क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा, अब बोल देना कि फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो अब एक ही स्टेटमेंट आपका अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस पूरे का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेन की कॉन्सेप्ट है कि ये जो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। ये आपको सेट में रखना है। ये एक क्वेश्चन आपका क्लास 12 में भी आ सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बस एलिमेंट चेंज करेगा आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन 11th में पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपको 12th में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मतलब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड दोनों को मिला के दिया हुआ है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का दोनों को मिलाकर चेक करेंगे तो आपका ऑर्डर ऐसे चलेगा, यानी हाईएस्ट होगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन कार्बन फॉस्फोरस अल्मोनियम बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है।
सेकेंड और थर्ड पे दोनों को कंबाइन करके वैल्यू उसको दिया हुआ आपके लिए, तो आपको ध्यान देना है। तो ये रहेगा आपका कुछ क्वेश्चंस, अब ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है, उसका ऑर्डर दिया आपके पास, तो याद रखना आपको ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन देगा तो ये काम आ जाएगा बनाने में आपको। अब ध्यान देना, जब भी हम बात करते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो मान लेते हैं कि आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होता है, जनरली क्या होता है नेगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव होगा, जैसे नाइट्रोजन पॉजिटिव हुआ था, नोबल गैसेस में पॉजिटिव हुआ था, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है जनरली क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन जब आपका वंस नेगेटिव बन गया, एक बार जब चार्ज नेगेटिव बन गया, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, दोनों आपस में क्या रिपेल करेगा, क्या होगा रिपेल करेगा, तो यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली क्या होगा, जब दो माइनस टू बन चुका ऑलरेडी है, अब फिर से इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन जब डालेगा तो फिर से रिपल्सन होगा, तो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरा पॉइंट यह है क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद जो भी वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव होगा विथ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, विथ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड का वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड से बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फोर्थ का वैल्यू थर्ड से बड़ा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद जितना आगे का वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये समझा के आप लिखा हुआ है, आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है जनरली, आफ्टर दैट सक्सेसिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव विद इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, विद इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। आपको समझाने का कोशिश भी किया गया, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है तो उसमें एनर्जी निकलता है, कितना निकलता है, -141 किलोजूल निकलता है, ठीक है, पर मोल। जब वंस नेगेटिव बन जाता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम लोग, तो अब जो बनेगा उसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो +744 एनर्जी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी टोटल ऑक्साइड फॉर्मेशन में आपको नेट एनर्जी आपको देना पड़ता है, जैसे -141 +744 नेट सम क्या होगा +603, तो नेट एनर्जी आपको ऑक्साइड फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटोमिक नेगेटिव अनायन, मतलब ऐसा अनायन जिसपे मोर देन वन नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, जिसपे चार्ज नेगेटिव हो और मोर देन वन नेगेटिव हो, मतलब -2, -3, -4 ऐसा कुछ हो, तो ऐसा नेगेटिव अनायन बनाने के लिए आपको नेट एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो इस यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटोमिक अनायन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या होगा, हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान रहा, आपने पास एक की कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, चलो एक की कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान ले कोई न्यूट्रल गैसेस सिस्टम है, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने का एनर्जी। अब तुम उल्टा कर रहा है, इस अनायन से तुम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तुम रिवर्स प्रोसेस कर रहा है, जो अनायन है उसे तुम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, यानी तुम वापस गैसेस सिस्टम बनाया पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इस अनायन का अनायन एंथैल्पी, ठीक है। तो आपको बोला क्या गया है, आपको बोला यह गया है कि यहाँ जो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ध्यान देना, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और नीचे वाला जो अनायन एंथैल्पी है उसमें कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन है, ध्यान देना। आप जो जितना एनर्जी यहाँ पे निकलेगा, ध्यान देना, जितना एनर्जी आप यहाँ पे निकलेगा ना, यहाँ का एनर्जी अगर -x होगा तो
रिवर्स प्रोसेस का एनर्जी क्या हो, प्लस एक्स होगा। सिंपल सा बात है ना, ठीक है। यहाँ पे और कोई आपसे पूछेगा, ऊपर में एक बॉल रखा हुआ है, बॉल जब नीचे गिरेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये हाइट अगर एच बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो कि जब बॉल नीचे आएगा तो एम जी एच एनर्जी क्या होगा, इसका इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, ठीक है। और को यानी इतना एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम। और हम उल्टा बोले हैं कि जब इस बॉल को यहाँ से ऊपर लेके जाओ तो कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो जितना एनर्जी तो सेम एनर्जी आपको देना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कोई एम जी एच देना पड़ेगा उसको, यानी प्रोसेस को यहाँ से यहाँ करो तो एनर्जी यहाँ रिलीज करेगा, कितना रिलीज करेगा माइनस एक्स। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो तहीं एनर्जी आपको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, प्लस एक्स देना पड़ेगा, प्लस एक्स देना पड़ेगा। वही चीज समझाया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी अगर एक का अगर कुछ है, ठीक है, माइनस एक्स है, तो आयनाइजेशन थैल्पी क्या होगा नाइन का, तो उसका माइनस कर दे, तो माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आयनाइजेशन थैल्पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी ऑफ ए, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बोला हुआ है। ये हो गया आपका ऊपर वाले अनायन और एटम का आयनाइजेशन थैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी का रिलेशन। अगर मान लेते हैं कि किसी गैसियस एटम से तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो तुम्हें निकालने का मतलब क्या होता है, आप उसको आयनाइजेशन थैल्पी दे रहे हो, यानी मान लेते हैं यहाँ पर एनर्जी आप प्लस एक्स दिए हो, आपसे उल्टा बोलेगा कि ये एक कटायन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, यार जितना एनर्जी दिया था उतना ही अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो माइनस एक्स एनर्जी रिलीज करेगा। अगर यहाँ से यहाँ का एनर्जी हमको प्लस एक्स देना पड़ा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, वापस हमको माइनस एक्स निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्लस ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन थैल्पी ऑफ क्या होगा, गैस ए, यानी जितना गैस ए में आप दिए थे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही एनर्जी वापस रिलीज होगा जब वापस ए गैस बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी ऑफ ए प्लस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन थैल्पी ऑफ गैस ए। सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं कि अगर गैस ए से पॉजिटिव बनने में अगर पांच एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, यानी प्लस फाइव एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, तो पॉजिटिव से अगर ए बनेगा तो आपको माइनस फाइव एनर्जी निकलेगा। माइनस का मतलब बाहर निकलेगा, क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यह कोरिलेशन क्लियर होना चाहिए, आपका रिलेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ध्यान ना इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग को ट्राई करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, वो कंपेयर करना है आयनाइजेशन थैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कंपेयर करना है। सेम क्वेश्चन है, अब वो कंपेयर करना है आयनाइजेशन थैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ओ माइनस एंड एस माइनस को कंपेयर करना है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है आयनाइजेशन थैल्पी ऑफ इन सारे का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सोडियम से सोडियम प्लस आने में आपको एनर्जी इतना देना पड़ता है, ठीक है। सोडियम सोडियम प्लस बनने में एनर्जी हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज देना पड़ रहा हमको, यानी प्लस 5। तो सोडियम प्लस से सोडियम वापस आने में वो कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा या निकलेगा आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग ए बी सी डी अटेम्प्ट करोगे, ध्यान नंबर। चलो जब हम पहला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन थैल्पी का, तो आयनाइजेशन थैल्पी क्या होता है, डाउन द रूप में क्या होता है, डाउन द रूप में घटता है, तो इसे कोई ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है आयनाइजेशन थैल्पी का, बट ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी से लिंक करके बनेगा, ठीक है। इसको आप उल्टा सोचो, इसको अगर बनाना हो इसको आप रिवर्स सोचो। रिवर्स मतलब आप ऐसा करो ना, आप एफ है, सी एल है, बी आर है और आई है, इन सब इलेक्ट्रॉन डालो, इलेक्ट्रॉन डालने पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डालने पे आपका अनायन क्रिएट होगा, यहाँ पे F माइनस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सिल माइनस बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बी आर माइनस बनेगा, यहाँ पे आपका आई माइनस बनेगा, ठीक है। आप वैल्यूज को चेक करना, ठीक है। यहाँ पे जो रिलीज होता है ना, ये होता है माइनस आई थिंक, आपका वैल्यूज को अगर देखते हैं तो आप वैल्यूज को चेक करना, तो अगर वैल्यूज को चेक करते हो चलो, तो ध्यान देना आपको जो वैल्यूज होता है, क्लोरीन का हाईएस्ट होता है, क्लोरीन का वैल्यू हाईएस्ट होता है, उसको वैल्यूज को मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान देना
क्लोरीन का वैल्यू होता है -349, क्लोरीन का वैल्यू होता है -328, और आपका आयोडीन का वैल्यू होता है, ब्रोमीन का वैल्यू होता है -325, और आपका आयोडीन का वैल्यू होता है -295। यार आप जब उल्टा जाओगे तो रिवर्स, आपसे रिवर्स प्रोसेस पूछा गया है, तो आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स में जो वैल्यूज होगा, तो ध्यान देना इसको रिवर्स करने का वैल्यू कितना होगा, आपको +328 देना पड़ेगा, इसके रिवर्स करने का वैल्यू कितना देना पड़ेगा, आपको 349 देना पड़ेगा, आपको रिवर्स यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 325 देना पड़ेगा, और यहाँ पे 295 देना पड़ेगा। आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो करेक्ट ऑर्डर होगा सबसे हाइस्ट होगा सील माइनस, फिर होगा आपका एफ माइनस, और फिर होगा बी आर माइनस, और फिर होगा आपका आई माइनस। ठीक है, इससे आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जब बात करते सेकंड क्वेश्चन, तो फिर से आपको इससे सोचना है कि आप उल्टा सोचो, पहले ऑक्सीजन से मैं इलेक्ट्रॉन डालते तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, इसका बनने में कितना एनर्जी का रिलीज होता है, तो -141 का एनर्जी रिलीज होता है आपके पास। इसमें सल्फर से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हो तो बनता है एस माइनस, इसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, इसमें रिलीज होता है 200 का रिलीज होता है। आपको उल्टा आना है, रिवर्स आना है, रिवर्स के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, जितना रिलीज हो उतना ही देना पड़ेगा, रिवर्स के लिए इसको एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो ये +141 देना पड़ेगा, और यहाँ पे +200 देना पड़ेगा। तो आपका O माइनस और S माइनस में किस में ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपको सल्फर में देना पड़ रहा है। तो आनेशन थाल पे क्या होगा, सल्फर का ज़्यादा होगा देन ऑक्साइड, यानी S माइनस से ग्रेटर देन O माइनस। ठीक है, सेम लॉजिक पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वैल्यूज को चेक करना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, उसी को आप ट्राई करोगे। मैं बात करता हूँ डी का, ऑप्शन डी का अगर हम बात करें, चलो ऑप्शन डी में क्या होगा, चलो तो सोडियम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे जब आपका अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने पर अगर 5 eV का एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, तो अगर प्रोसेस रिवर्स करेगा, प्रोसेस अगर रिवर्स करेगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो सोडियम बनेगा, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी आपका क्या होगा, निकलेगा, कितना निकलेगा, तो -5 eV का एनर्जी आपका बाहर जाएगा। ठीक है, ये सोच सकते हैं हम लोग, ये हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है,